इस पॉडकास्ट के अंदर खास चीज ये है कि इन्होंने बीसीए डिस्टेंस से करी है। बहुत सारे जो मिथ्स हैं आज हम क्लियर करने वाले हैं। आपने क्यों सोचा कि मेरे को डिस्टेंस से ही करना है, क्योंकि आपके पास रेगुलर का भी ऑप्शन था यार, डिस्टेंस से करेंगे कहीं रिस्क ना हो जाए, आगे जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। बेसिकली मेरा जो रीजन रहा ओपन को चूज करने का फाइनेंशियल, मैं घर पे बैठा हूँ तो मैं अपने आप को फील करूंगा कि यार कोई क्या ही देख रहा है मेरे को, किसको जवाब देना है मेरे को, मेरे एग्जाम में मैंने चैप्टर पढ़ना नहीं पढ़ना, मैं मालिक हूँ यूनिवर्सिटी का। तो ये फीलिंग आती है घर पे मोस्टली जो स्टूडेंट यही पे लैक कर जाते हैं। हमारे पास क्या एडवांटेजेस हैं व्हाइल डूइंग डिस्टेंस लर्निंग? ये ऑप्शन तो बहुत बेस्ट है, मुझे जाना चाहिए। मैं गई, लकीली वो फर्स्ट इंटरव्यू था मेरी लाइफ का और मैंने क्रैक कर लिया। क्या ये डिस्टेंस वाला जो टैग है इंपैक्ट करता है जॉब प्लेसमेंट के अंदर जब आप जाते हैं? एंड क्वेश्चनिंग जनरली आपसे बीसीए रिलेटेड करी गई थी या फिर नॉर्मल क्वेश्चन थे? मैं एज अ फ्रेशर गई थी तो सारे क्वेश्चन बहुत ही बेसिक ही पूछे थे उन्होंने। अभी आपकी क्या प्रोफाइल है, क्या करंटली आप पैकेज है आपका? आई एम वर्किंग एज एन एसोसिएट राइट नाउ एंड माय करंट पैकेज। कोडिंग बैकग्राउंड कुछ मैटर करता है कि कोडिंग की कोई स्पेशल नॉलेज होनी चाहिए बीसीए करने के लिए? स्कैम्स बहुत होते हैं जॉब्स को लेके। आई लक्ष्य, आई एम फ्रॉम टीसीएस एंड सो डू द फॉर्मेलिटीज इन दिस ऑफिस। अब वहां पे उस बंदे से 2500 रुपए 2000 रुपए जो भी होगा ले लेंगे। अगले दिन बंदा जॉब भी लेने जाएगा, बोले कौन सी जॉब भाई, बीसीए सब कर रहे हैं, सबने बीसीए का सिलेबस पढ़ा है, तुमने एक्स्ट्रा उसमें क्या एड ऑन किया है वो बताओ। मैंने